पार्टी की रही सरकार ने वहां हमेशा जाति धर्म में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सबको बराबर न्याय दिया है, तभी ही वहां कानून द्वारा कानून का राज कायम हो सका है, जिसकी प्रशंसा आज भी सभी विरोधी पार्टियों के लोग पूरी दबी जुबान में वहां जरूर करते हैं। इसके अलावा बीजेपी सहित अन्य सभी पार्टियों को भी देश में खासकर अराजकता, हिंसा व भड़काऊ बयानबाजी आदि करने वाले अपने बड़े से बड़े नेताओं के विरुद्ध भी इनको अपनी पार्टी के स्तर पर भी जरूर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही उनके विरुद्ध पुलिस व प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई किए जाने के मामले में भी उन्हें बचाने की बजाय बल्कि उनको पुलिस व प्रशासन का ही बल्कि इस मामले में उनको पुलिस व प्रशासन का ही पूरा साथ देना चाहिए, तभी फिर पूरे देश में यहाँ अराजकता, हिंसा व नफरत आदि का वर्तमान में चल रहा वातावरण हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है, और तभी फिर पूरे देश में शांति, अमन चैन व आपसी भाईचारा एवं सांप्रदायिक सौहार्द आदि का भी सही वातावरण पैदा हो सकता है, जिसकी वर्तमान में इस समय अपने पूरे देश को काफ़ी सख्त जरूरत भी है। इसके साथ ही दिल्ली में हुए अभी हाल ही में इन दंगों के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी ऐसे में अपनी बाहर की राजनीति करने की बजाय बल्कि इनको भी यहाँ इस दौरान दिल्ली के वातावरण को सामान्य करने में अपनी खास भूमिका निभानी चाहिए थी, जो इन्होंने नहीं निभाई तो ये ज़्यादा बेहतर होता यदि अपनी खास भूमिका निभाते और बाहर राज्यों में राजनीति करने की बजाय इनको अपने खुद के स्टेट को भी देखना चाहिए था। और अब मेरा यही कहना है कि देश व जनहित में यहाँ अब मेरा पुनः यही कहना है कि देश व जनहित में यहाँ सभी विरोधी पार्टियों को दंगों की आड़ में अपनी घिनौनी राजनीति को तुरंत बंद कर देना चाहिए और इस मामले में सभी को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। ये जो दंगे होते हैं इसको खत्म करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाने के लिए सभी को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होकर कार्य करना चाहिए, तभी फिर दिल्ली सहित पूरे देश में भी हालात सामान्य रह सकते हैं और तभी फिर पूरे देश के लोग यहाँ अमन चैन व शांति के साथ अपना जीवन गुजर बसर कर सकते हैं। यही मेरा सभी को कहना व पुरजोर अपील भी है। और अब अंत में मेरा केंद्र सरकार को ये भी कहना है कि दिल्ली में हुए दंगों की माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, साथ ही जिनका इस दंगे में ये जो दंगे हुए हैं दिल्ली में साथ ही जिनका इस दंगे में जानी माली नुकसान हुआ है तो उनकी केंद्र व दिल्ली सरकार को भी मिलकर पूरी भरपाई करनी चाहिए, अर्थात सरकार को, इन दोनों सरकारों को यहाँ दुखी व पीड़ित सरकार की हर स्तर पर पूरी पूरी आर्थिक मदद करनी चाहिए। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इस संबंध में मैं बहुत जल्दी ही माननीय श्री राष्ट्रपति जी को भी चिट्ठी लिखने वाली हूँ। और अब इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।